हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आवर चैनल प्रीति सिंगिंग शेफ़ एंड वेरी वेरी हैप्पी होली। और आज हम आपके लिए बहुत ही कलरफुल, बहुत ही टेस्टी, यम्मी घर की बनी हुई ऑरेंज कैंडी लेके आए हैं। और अभी स्पेशली ये कोरोना टाइम में हमको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं, ना खुद खानी चाहिए और ना किसी को खिलाना चाहिए, तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑरेंज को ऊपर उसका सिर्फ हमको जेस्ट निकालना है ऊपर का, तो ये देखिए, और बहुत थोड़ा सा चाहिए हमको क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है कैंडी में। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया है इसका जेस्ट थोड़ा सा, और अब हम इसको कटोरी में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने दो ऑरेंज लिए हैं, आप इससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं। और ये देखिए, जिसमें से हमने इसको पील किया था वही वाला ऑरेंज हम यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसका जूस निकाल लेंगे ऑरेंज का, आप चाहें तो हाथ से निकालें। ये देखिए, ये मैं ऐसे दबा के निकाल रही हूँ, इसका बहुत आसानी से जूस निकल जाता है क्योंकि हमको इसको बाद में छानना है, तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका जूस। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप लेमन का और स्ट्रॉबेरी का, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उनके आप कैंडी बना सकते हैं। स्पेशली बच्चों को घर की बनाई हुई चीज़ें ही खिलाएं तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक चम्मच, छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा घोल लिया है पानी डाल के। सिर्फ मैंने दो चम्मच पानी डाला है, बहुत ज़्यादा हमको लिक्विड नहीं करना है। अब यहाँ मैंने एक भगोने में एक कप के करीब मैंने पानी लिया है, और मैं आधा कटोरी से भी, आधा कप से भी कम मैं शुगर ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग शुगर ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर डाला है, कलर डालने से इसका कलर भी और इम्प्रूव हो जाता है ऑरेंज का। और ये देखिए, अब हमको इसको तब तक बॉईल करना है जब तक ये शुगर इसकी मेल्ट ना हो जाए। अब हम ये जो जेस्ट हमने निकाल के रखा था वो हम इसमें ऐड कर ले रहे हैं और साथ में उसको बॉईल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कॉर्नफ्लोर भी जो हमने घोल के रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और हमको इसको जल्दी जल्दी चलाना है और 5 मिनट बस इसको हमको बॉईल करना है। अब हमको ऑरेंज जूस डालना है, ऑरेंज जूस डालने के बाद हम सिर्फ इसको 2 मिनट बॉईल करेंगे। एक उबाल जैसे ही आता है वैसे ही हम इसको ऑफ़ कर देंगे, गैस को ऑफ़ कर देंगे। और अब ये देखिए, मैंने गैस ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसको छान लेंगे। इसको छानने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऑरेंज एसेंस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो ऑरेंज जेस से ही इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा होने रखेंगे रूम टेम्परेचर में। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम यहाँ पे ये आइसक्रीम मोल्ड में मैं डाल रही हूँ, ये देखिए। और आपके पास यदि लिड वाला आइसक्रीम मोल्ड है तो ठीक है, नहीं तो ये जो प्लास्टिक के ग्लास आते हैं आप उसमें भी जमा सकते हैं, पर उसके ऊपर आपको फॉइल पेपर लगाना ज़रूरी होगा। और इसमें क्योंकि लिड है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर का यूज़ नहीं किया है। और मैं इसको, ये देखिए, बस ऐसे ही इसका लिड लगा दे रही हूँ और इसको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे।
अब ये जब जम जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने और भी आइसक्रीम की डिशेस बनाई हैं और वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अब ये देखिए, ये हमारी आइसक्रीम बिल्कुल जम चुकी है। इसको हम थोड़ा सा डीमोल्ड करने के लिए पानी में डालेंगे, नॉर्मल वाटर में डालेंगे थोड़ा सा। और अब देखिए, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये ऑरेंज कैंडी, ये देखिए कितनी अच्छी जम चुकी है। ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमने सब कुछ घर में बनाया है और घर की बनी हुई चीज़ हमेशा बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। और है ना, ये होली के लिए, होली जैसी कलरफुल चीज़। तो फ्रेंड, इन्जॉय करिए आइसक्रीम कैंडी का, ऑरेंज कैंडी का। और मेरा चैनल यदि आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। और प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए मेरी आइसक्रीम की और डिशेस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड वेरी वेरी होप हैप्पी होली।